मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख, इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बताओ। अब इन मांगों को मनाने के लिए 15 मई आज का दिन है, आज हमारी जनसंघर्ष यात्रा यहां पर समाप्त हो रही है आज की जयपुर में। लेकिन इस महीने के आखिर तक, 15 दिन बचेगा, इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है, महीने के आखिर तक कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा। आप लोगों एक गांव में एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे।